आपका टोटो भी मिल जाएगा। अच्छा, और इसके अंदर एम्पलीफायर होता है अलग से लगा हुआ। तो मैं ये देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया पूरा भाई कंट्रोल का, चार आवाज ही होगी, वॉल्यूम हो गया, ऑन ऑफ हो गया, माइक। तो एक ग्रैंड का आता था वो बंद, तो अब इसको स्टार्ट करता हूँ। ये देखो, आ रही आवाज। सो गाइस, टाइम हो चुका है 1:07 और हम फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे, जहाँ से सारा हमारी गाड़ी का मोस्टली काम होता है, मोटर हब। सो गाइस, फाइनली अनबॉक्स कर रहे हैं हम ये। इन पे ग्रैंड कह रहे डिसकंटिन्यू हो चुका है भाई। और ये नंदू है यहाँ पे मोटर हब में, कभी भी आ रहे हो तो इस भाई से बोलते हैं, नहीं तो लोहित होगा यहाँ पे। वो तो अभी दिख नहीं रहा हमें यहाँ पे, कभी गया कहीं। तो अभी ये अनबॉक्सिंग हो रही है इसकी, आप देख सकते हो प्रॉपरली भाई, फुल नया का नया डिब्बा पैक खोल रहे हैं। और ये सबसे ऊपर वाला मॉडल है, इससे ऊपर कोई मॉडल नहीं है। नहीं, इससे ऊपर भी आते हैं। कौन सा? इससे ऊपर ले हुए 100 वाट आ जाएगा। 100 वाट ही तो कह रहा हूँ मैं, ये 30 वाट है। 100 वाट की कह रहा हूँ, 100 वाट में एम्पलीफायर आएगा। हाँ तो 100 वाट वाला चाहिए, 100 वाट वाला चाहिए, 100 वाट वाला भी। तो ये भाई, ये तो 30 वाट वाला है, ये भी नया का नया। ये मतलब 30 वाट वाला ये वही है ना, थोड़ी कम रेंज वाला। तो ये है, इसमें दो साउंड है, इसमें अच्छा उस वाली में चार है और इसमें दो साउंड है। सुना के दिखा देते दोनों में क्या डिफरेंस है। ये पहले ये इसको देखो, अनबॉक्स करते हैं। ये 100 वाट वाला और वो 30 वाट वाला। और सौ सिंगल दो आवाज होते हैं। हाँ, इसमें चार आवाज मिल जाते हैं, जिसमें आप प्लस पांचवा आपका टोटो भी मिल जाएगा। अच्छा, और इसके अंदर एम्पलीफायर होता है अलग से लगा हुआ। अच्छा, ऐसा वाला साइड में लगेगा फिर? ये तो साइड में लगेगा, तो मेरे को प्लग की जरूरत ही नहीं है। इसमें माइक भी आपका। अच्छा, ये तगड़ा सिस्टम है, ये फुल वॉल्यूम है। इसमें चार आवाज आ गई। और ग्रैंड का भी कुछ ऐसे ही आता है ना, ऐसे टाइप बिल्कुल है ना। तो ये इसमें ऑक्स में आपका, ये ऑक्स का क्या सिस्टम है? ऑक्स का ये हॉर्न के काम करता है बिल्कुल। अच्छा, हॉर्न के साथ काम करता है। और ऑन ऑफ वाला सिस्टम का है इसका? ये वाला पावर ऑन पावर ऑन। और ये दो आवाज है? हाँ, दो आवाज ये, और ये वाला कौन सा? ये चार आवाज है जिसमें। अच्छा, ये वाला फिर क्या है, पार्ट वन? ये अपना इसके लिए, माइक के लिए, माइक के लिए, माइक की वॉल्यूम बढ़ाने। अच्छा, तो भाई ऐसा कुछ दिख सकता है। और ये आपका ये क्या आ जाता है इसका? ये माइक है, ये माइक है इसका। अच्छा, बोल सकते हैं इसको, सही है ये। और ये इतना बड़ा इसका, ये फिक्स हो जाएगा ये वैसे वहाँ पे बोनट पे? हमने परसों भी लगाया सर। कौन सी वाली का? थार्मी। तो भाई ये देख सकते हो, ऐसा कुछ दिख रहा है ये इसका भाई। और बहुत भारी है यार ये तो, है बहुत तगड़ा भारी है इसको उठा के इसका भाई। ये देखो, ये तो ऐसे ही उठ रहा है, ये डिफरेंस है 30 वाट और 100 वाट में, ही डिफरेंस है देख। ये भाई मतलब लगा ले एक हाथ में इतना भारी बटन, दो हाथ चाहिए इसको। तो हम ये वाला लगाने की ये कर रहे हैं, अभी इसकी आवाज सुनते हैं, दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे क्या डिफरेंस है। तो भाई ये देख सकते हो, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है और ये 30 वाट का है, देखो लिख रहा है 30-30 वाट का ये सायरन है। अभी इसकी आवाज सुनाते हैं आपको, इसमें दो आवाजें कह रहा है, अभी स्टार्ट करते हैं। इसका ये प्लग ये ऐसा आपका उसको दिखता है आपको, ये देख सकते हो अप सिस्टम है। तो भाई ये हो गया 30 वाट का। अब आपको सुनाते हैं 100 वाट का जो हम लोग लगाने वाले हैं। ये एम्पलीफायर वाला, ये एम्पलीफायर वाला, वो विदाउट एम्पलीफायर है, मेन फर्क यही है, मेन और आवाज का ही फर्क है भाई। 100 वाट और इसमें चार वाले हैं, उसमें दो जिसमें वो, इसमें भाई पूरा मतलब तगड़ा सिस्टम है। ये देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया पूरा भाई कंट्रोल का, चार आवाज ही होगी, वॉल्यूम हो गया, ऑन ऑफ हो गया, माइक भी है इसके अंदर अलग से। तो अभी इसे करके दिखाते हैं, कम से शुरू करना, उसके तेज भी करेंगे इसे।
ये तो उससे भी मतलब डबल ट्रिपल आवाज है इसके अंदर, और हम यही वाला हम लगा रहे हैं। और अब ये इसकी इंस्टॉलेशन दिखाते हैं कैसे होगी। गजब आवाज है, मतलब अलग एक नंबर की भाई, मतलब होगा ना फुल सिस्टम 1 किलोमीटर तक बिल्कुल। तो इसको पूरा ब्लैक कर देते हैं हम। कितना टाइम लेगा? 5-10 मिनट। ब्लैक पेंट, स्प्रे पेंट? हाँ। तो कैसे कान मतलब? अच्छा यहाँ दिखेगा क्या? ये वाला पोर्शन है ना, ये इधर आ जाएगा, उधर लगेगा शायद है भाई। या तो इधर लग जाएगा, यहाँ लगेगा। बेस्ट पार्ट यही लग रहा है क्योंकि यहाँ सही जगह लग रही है, बस फिक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत ना हो, कभी ऑफ रोडिंग करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना। तो ऐसे ये ब्लैक करते, ब्लैक कर दो फिर यार। वैसे एक बार यार दिखेगा वैसे यहाँ से, नहीं यहाँ नहीं लगता, जगह ही नहीं होती ना थार में। तो यहाँ पे कैसे दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा मतलब ये है कि ये अब अलग सा लग रहा है। हाँ, वो ब्लैक में पता नहीं लगेगा किया है क्या लोग का ब्लैक। हाँ। कर दो यार स्प्रे पेंट, कैसा पूरा ब्लैक हो जाएगा, पूरा मैट ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, करवा ही देते, करवा दे भाई। सो गाइस ये देख सकते हो, ये वायरिंग है जो यूज हो रही है हमारी, ये प्रॉपर कॉपर की, और ये ब्लोपंक की, और ये यहीं से निकाली पूरा एक नया खोल, मतलब जो आपके वो आता है। हाँ। तो और ये क्या, इसका फायदा क्या होता है? 16 गेज की है ये, ऑक्सीजन फ्री वायर है, कार्बन कूर्बन नहीं आता इसमें कुछ। अच्छा, और जो नॉर्मल वायर होते हैं उसमें कार्बन आ जाता है। अच्छा, पानी आप मार दो कार्बन आ जाएगा, वहां से वायर खराब होती जाती। तो भाई अभी देखो इंस्टॉलेशन हो रही है, आपको दिखाता हूँ कहाँ से वायरिंग जा रही है। ये देखो यहाँ से पूरी ये गई है वायर, यहाँ से इन्होंने इंस्टॉल किया, अब अंदर जा रही है। ये देखो यहाँ निकली और अब यहाँ से उस तरफ जाएगी। तो भाई 50% काम तो डन हो गया हमारा, इंस्टॉलेशन हो गया। आप जैसे देखा होगा आपने वाइट कलर का था, अभी इसको इसने पेंट कर दिया, स्प्रे पेंट दिखाना है इसे, पेंट कर दिया। एक दो रीजन है वो बताऊंगा नहीं, लेकिन लुक के लिए भी था, देखो पूरा मैच कर रहा है साथ में, कुछ ऑड नहीं लग रहा कि अलग से कुछ लगा रखा है। तो अब ये पूरा यहाँ पे फिक्स हो चुका है, एक वायरिंग कटिंग नहीं कुछ भी, बस पेच लगाए ना भाई, 2 पेच जो जगह थी वहाँ पीछे भाई, पेच की पेच लगाए। और अभी अंदर का ये कहाँ जाएगी वायरिंग? बैटरी पे। अच्छा, बैटरी पे। और बैटरी पे भाई कुछ लोड तो नहीं होगा ना? 100 वाट का, अलग से कुछ लगाना पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। अगर म्यूल सिस्टम लगाऊंगा तो लगाना पड़ेगा, सिस्टम में आपको अपडेट करवाने पड़ते हैं, 2 बैटरी लगानी पड़ती है ना, और बिक्री करवाना पड़ता है। हाँ भाई। सो गाइस फाइनली हमारा लग चुका है सायरन, एंड ये लाउडेस्ट है, मतलब इससे ऊपर कोई सायरन नहीं आता 100 वॉट के ऊपर। मतलब आप दो लगा सकते हो 200 वॉट के लिए, उसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन सबसे हाईएस्ट वॉट का 100 वॉट का आता है एक ही इसके अंदर, नहीं तो 200 वॉट के एक ग्रैंड का आता था, वो बंद हो गई कंपनी, मतलब चल रही है अब, सेल आउट नहीं करती, वो अलग जुगाड़ लगाना पड़ता है। और ये देख सकते हो इसका माइक, अब देखो मैं इसमें बोलता हूँ, देखो हेलो हेलो, बाहर आवाज़ आ रही होगी, अंदर नहीं आएगी आपको, मतलब ये आपका पूरा माइक है, बाहर आप पूरा वो लगा दिए, इसका पूरा जो यूनिट है, और ये पूरा इसका एम्पलीफायर रहा, ये प्रॉपर यहाँ पे वो हो गया, ब्रदर का कॉल आ रहा है, ये देख सकते हो आप, ये ऑन है, ये ऑन ऑफ वाला सिस्टम है इसका, अब ये ऑन हो गया ठीक है। और अब ये देखो आप, ये इसका वॉल्यूम का नॉब हो गया, ये जो है ये वॉल्यूम, ये अभी फुल है जैसे अभी किया है फुल, और इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ ये पूरी बंद हो गई, ये फुल। अब देखो ये इसका वो ऑक्स जो वो बीच बीच में होता है, ये और भी लोग सायरन जा रहे हैं, और ये देख सकते हो आप, इसको स्टार्ट करता हूँ, ये देखो आ रही आवाज़, मतलब बाहर से ज़्यादा तेज आएगी वो आपको बताऊंगा मैं। ये इसके 2-3-4 वो हैं, ये देखो ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, 4 साउंड है और बढ़िया है, और फाइनली लग गया भाई हमारा। आपको एक बार बाहर निकल के भी आपको आवाज़ सुनाऊंगा, थैंक्स टू द ब्रदर, थैंक्स ब्रदर, मतलब इसका भी बहुत हाथ है, मेरा भी बहुत मन था लगाने का, बहुत टाइम से मन था, लेकिन आज फाइनली भाई लग गया, एंड भाई अलग ही खुशी हो रही है। मतलब ये रिकमेंड मैं किसी को भी नहीं करता, सायरन लगाओ ये लगाओ सब इलीगल है, वो शौक की बात है भाई, मेरे को था कि मन था ऐसे ही नहीं कि भाई कहीं बजा दो, कोई ऐसा नहीं है भाई, सीधा चलाने इसका, किसी को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अपने रिस्क पे करो, कर रहे हो तो वही बातचीत वाली बात है, वरना मत करो। और ये हमारा लग चुका है फाइनली सायरन, अभी आपको बाहर अभी कहीं अच्छे ग्राउंड पे आपको इसकी आवाज़ सुनाएंगे, ये भाई सायरन चलाएंगे और मैं बाहर से वो आपको इसका आउटपुट होता हूँ, 100 वॉट में लिटरली ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ तक जाएगी, 1 किलोमीटर 500-600 मीटर तो कहीं जा ही नहीं रही, चले जाएगी। और आपको दिखाते हैं, काफ़ी प्यारा है वैसे तो,
है भाई, मजा आ गया ना, मतलब वर्थ इट था ना जितने का भाई। अभी मैं प्राइस ऐसे डिस्क्लोज करूंगा नहीं, अपना अपना अलग अलग प्राइस होता है। वैसे ये 20,000 कुछ 1,000 के रेंज में चले जाता है ये, लेकिन जो भी आप आओगे वहाँ पे आपको बेस्ट रेट मिल जाएगा। मैं क्योंकि मैं आपको कोई रेट बताऊँ वो कोई और रेट बताए तो उसका कोई मतलब नहीं है। 20,000 के रेंज में आ जाता है और इससे ऊपर कोई सायरन नहीं है भाई, कोई सायरन नहीं है। तो भाई अभी चलते हैं, टाइम भी हो रहा है, इसको जाना है और अभी बाहर के आपका आउटपुट सुनाऊँ। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम अपने बेसमेंट में, घर ही आ गए और अभी ये बताएगा, अब इसको बाहर से दिखाऊंगा। एक बार बजाइए सायरन, आवाज़ सुनाऊंगा कितनी तेज आ रही है, क्योंकि बेसमेंट में ही सबसे लाउड आ सकती है। ये देखो दूसरा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बंद कर दे। तो भाई देख सकते हो कि भाई कितनी तेज आवाज है भाई, बताइए कैसी आवाज, कितना तक गूंज रही है बता। पहले भाई इसको लग रहा था कि हाँ फालतू में ऐसी कर रहा हूँ, लेकिन अब आ रहा है कि क्यों करवाया। ठीक है, मजे आ रहे थे जब बजाते बजाते। तो भाई फाइनली लग चुका है सायरन और इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट शेयर जरूर करना। ब्रदर आप इसको बंद कर दो, बैटरी फूक जाएगी। तो भाई इसी के साथ व्लॉग भी एंड करते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो कर लो, कौशल 0016। मिलता हूँ भाई